बांस के झूले पर झूला झूलते संबित पात्रा ओडिशा की पुरी लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त प्रचार में जुटे हैं, ताकि पिछली बार की तरह हार का सामना ना करना पड़े। लेकिन मणिपुर के खराब हालात के बीच चुनावी पर्यटन को लेकर संबित पात्रा विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए। संबित पात्रा ने झूला झूलने की फोटो शेयर की तो विपक्षी नेताओं ने सवाल खड़ा किया कि मणिपुर में लोगों की जिंदगी जहन्नुम हो गई है और बीजेपी के मणिपुर प्रभारी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने संबित पात्रा और महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर को निशाने पर लेते हुए कहा, महिला आयोग सदस्य खुशबू सुंदर रील बना रही हैं, भाजपा के मणिपुर प्रभारी संबित पात्रा झूला झूल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकेश के संगीत का लुत्फ उठा रहे हैं, मणिपुर में ढाई महीने से हिंसा थमी नहीं है, समाचार समाप्त। वहीं संबित पात्रा के झूले वाले फोटो देखकर पब्लिक ने कहा, किस लिए आपको मणिपुर का प्रभारी बनाया गया है? ओडिशा के गांव में घूमने के लिए या मणिपुर में हो रही हिंसा में जाकर उनके दुख दर्द को कम करने के लिए? मैंने सुना है आपको बीजेपी मणिपुर का प्रभार मिला हुआ था, क्या इसलिए आज उसका यह हाल है? मणिपुर कब जाइएगा, उसका भी वीडियो जरूर कीजिएगा। पब्लिक संबित पात्रा के ओडिशा में चुनावी पर्यटन पर सवाल उठा रही है, लेकिन फिलहाल मणिपुर को भूलकर संबित पात्रा का पूरा फोकस पूरी लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल करने पर दिखाई देता है, क्योंकि दोबारा हारे तो बयान बहादुर संबित पात्रा की भारी फजीहत हो जाएगी। मणिपुर को भुलाकर संबित पात्रा का पूरी लोकसभा क्षेत्र में ऐसे प्रचार करना और ऐसे मजे लेना दिखाता है कि बीजेपी नेताओं के लिए चुनाव ही सर्वोपरि है। आप मणिपुर के प्रभारी संबित पात्रा और महिला आयोग की सदस्य खुशबू सुंदर पर उठ रहे सवालों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।